आप कोई भी चीज़ तो बिना अर्थ के सब कुछ व्यर्थ होता है। तो आज जो हमने फिल्म हमारी यहाँ तक पहुंची है उसके पीछे एक शख्स रहा है जिन्होंने हम पर भरोसा किया, मिस्टर विपुल मेहता जी। हमारी फिल्म कुमारों को एक बड़े स्तर पर हमने बनाया है जिसमें बॉलीवुड के कलाकार असरानी जी, विक्रम कोचर जी हैं, गरिमा अग्रवाल जी हैं और उसमें 6 गाने हैं। कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी के साथ साथ इसमें दो तीन मैसेजेस दिए हैं लाइक दहेज को लेके, धर्मशक्ल लोग बहुत मानते हैं मांगलिक। ये फिल्म स्पेशल इसलिए है क्योंकि आजकल क्षेत्रीय सिनेमा का बड़ा बोलबाला है और हमारा जो क्षेत्रीय इलाका है उसको हम बघेलखंड कहते हैं, जहाँ विश्व का पहला व्हाइट टाइगर पाया गया था, जहाँ के वीरवर थे, जहाँ राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो 12 साल वहीं थे चित्रकूट सतना के आसपास थे, और जहाँ की मैहर की देवी शारदा है, विंध्य का नाम आता है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, हम लोग वहां से हैं। एक सपना देखा था कि हर भाषा में फिल्में बनती हैं, तो मैं भी अपने भाषा की फिल्म बनाऊंगा। आपका क्या रोल है, आप किस रोल को प्ले कर रही हैं और कहाँ कहाँ शूटिंग हुई? इसका शूट तो सपना में हुआ है, खबैया एक गांव है ऐसा जहाँ पर शूट हुआ है, और बाकी जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत वेल एजुकेटेड लड़की का कैरेक्टर है और अच्छा लगा। आपकी जो हीरोइन है क्या लगता है लास्ट में वो कुमारपुर के किसी हीरो के साथ शादी कर पाती है या फिर कुमारपुर के सारे लोग कुमारी रह जाते हैं? वैसे ये तो इसके लिए तो फिल्म देखना पड़ेगा, मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ कि वो शादी करेगी कि नहीं करेगी। हम नेक्स्ट फिल्म जो करने वाले हैं उसका नाम है कुख्यात और एक MP66 है, उसमें भी काफ़ी सारे मैसेजेस दिए गए हैं और बस कर रहे हैं, अभी सेप्टेम्बर में जल्दी शूट हमारे फिल्म का स्टार्ट हो जाएगा। सेंसर बोर्ड ने 2 मिनट में इसको अप्रूव कर दिया था, बिल्कुल कोई भी कट नहीं लगाया। आप पूरे परिवार के साथ, घर बच्चों के साथ फिल्म को देख सकते हैं। हास्य के साथ सामाजिक संदेश ये हमारी फिल्म देती है। तो 9 अगस्त को ये इंदौर में रिलीज हो रही है, श्री टोंकी मॉल में हो रही है, सपना संगीता है, AU सिनेमा राजेंद्र नगर है, उसके बाद पूरे प्रदेश में हो रही है, छत्तीसगढ़ यूपी और मुंबई में भी इसके 2-3 सिनेमा हमको अच्छे मिल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि प्रेस के माध्यम से सब लोगों को जानकारी मिले कि सब लोग जाए, फिल्म को बहुत प्यार दें। हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्र सिनेमा डेवलप होगा और शासन को भी ध्यान जाएगा कि हमारे सिनेमा के लिए सब्सिडी तो दे रही है, इसमें सब्सिडी किन लोगों को मिल रही है? बाहरी सिनेमा वालों को, हमारे कलाकार को, लोकल लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। तो हमारा सिनेमा बने, शासन उसका सहयोग करे, यही उम्मीद है। धन्यवाद।